वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत ऐवान-ए-वज़ीर-ए-आला में इजलास। पंजाब में गवर्नर स्ट्रक्चर तब्दील करने का फैसला। वज़ारतों को कोऑर्डिनेशन नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। गैस के ज़ायद बिलों की भी इंक्वायरी करने का हुक्म। सानहे साहिवाल की तहकीकात और पुलिस असलाहत पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मीडिया से मजबूत रवाबित बनाने की हिदायत भी दी है। वज़ीर आज़म का सानहे साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। अगर मुतासरा फैमिली मुतमईन होती है तो कमीशन बनाने पर गौर करें इमरान खान। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला से वन ऑन वन मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने सानहे साहिवाल सियासी सूरतेहाल पर आगाह किया। इमरान खान की वज़ीर आला को मुतासरा फैमिली से मिलने की हिदायत। पुलिस का मुतासरीन से रवैया मॉनिटर किया जाए। वज़ीर आज़म वज़ीर आला को एक कैंसर के मरीज के इलाज की भी हिदायत। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। इत्तेहादियों के तहफ़ुज़ात दूर करने के हवाले से मुशावरत। सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर अथॉरिटी की मंजूरी भी दे दी। तहरीक इंसाफ से इंसाफ की अपील। वज़ीर आज़म की आमद पर ईडन मुतासरीन का जमान पार्क के बाहर धरना। एहतजाज के बायस केनाल रोड पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। 10 साल हो गए प्लॉट मिले न पैसे। मुतासरीन की दुहाई। उकाड़ा से आए मजारीन का बीए एवाने वज़ीर आला के बाहर मुजाहिरा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मालिकाना हुकूक दिलवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के जाने के बाद मुजाहिरीन भी वापस लौट गए। नवाज शरीफ के बाएं गुर्दे में दो पत्थरियां वाजे। सर्विसेज अस्पताल की सीटी स्कैन की रिपोर्ट में तशखीस। पत्थरी अद्वियात से निकालनी है या ऑपरेशन से। मेडिकल बोर्ड कल फैसला करेगा। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान से भी मशवरा लिया जाएगा। मरियम नवाज की वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल आमद। कैप्टन सफदर भी हमरा। मरियम नवाज वालिद नवाज शरीफ के लिए घर से खाना भी साथ लाई। कायद से इजहार यकजहती। सर्विसेज अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनान ने कैंप लगा लिया। नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं और कुरान खानी। नवाज शरीफ के अस्पताल में रहने तक यहाँ से नहीं जाएंगे लीगी कारकुन। इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। फैक्ट्री एरिया में डोर फिरने से दो शहरी जख्मी। 35 साल मोटरसाइकिल सवार माजिद और फकीर हुसैन अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का डोर से दो अपराध के जख्मी होने का नोटिस। रिपोर्ट तलब। पतंगबाजी के वाकयात पर इजहार बरहमी। मौतली के डर से पुलिस अफसरान इन एक्शन। SP मॉडल टाउन अली वसीम का डिवीजन भर का दौरा। ऊंची इमारतों से पतंगबाजी का जायजा लिया। सगियां रावी पुल मरम्मती कामों की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आउट होने वाली ट्रैफिक को टू वे चलाया जाने लगा। एक साइड बंद होने से इन और आउट होने वाली ट्रैफिक का लोड बढ़ गया। DSP शाहदरा इजाफी नफरी के हमरा मौका पर मौजूद। लाल टमाटर के लिए लाल नोट लाओ। टमाटर की सेंचुरी। एक हफ्ते में टमाटर 35 रुपए फी किलो महंगा। मौसमी सब्जियों के भी दोगुने रेट। ब्रायलर की भी डबल सेंचुरी। 206 रुपए में 1 किलो चिकन। मुर्गी के गोश्त की कीमत 6 रुपए मजीद बढ़ गई। LPG माफिया भी बेलगाम। LPG की 121 की बजाय 150 रुपए फी किलो में फरोख जारी। शहरियों की दुहाई। रिलीफ देने की अपील। सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और DG फूड अथॉरिटी का टाउनशिप और जौहर टाउन इतवार बाजार का दौरा। अशियाए खुरनोश की चेकिंग। गैर मयारी मछली तल्फ। स्टॉल होल्डर को 20,000 रुपए जुर्माना। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी इन एक्शन। इंचार्ज समनाबाद जोन आबिद मीर का वाहदत कॉलोनी बाजार में छापा। सब्जियों का मयार दुरुस्त न होने पर स्टॉल होल्डर्स को वार्निंग। बोले वजीर। बल्दिया उज़्मा का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया ने लंडा बाजार उलट पलट कर दिया। लंडा बाजार और हाजी कैंप के इतराफ में 200 रेड़ियां और अड्डे हटा दिए। लंडा बाजार ना लग सका। खरीदारी के लिए आए शहरी वापस लौटने लगे। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन किया हुकाम।
वजीर सनत व तिजारत का बंद छोटे सनती यूनिट्स का नोटिस। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहाली का प्लान मांग लिया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मियां असलम इकबाल कहते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए हर इकदाम उठाएंगे। साल भर की मेहनत का इम्तिहान, कल से प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात का आगाज। पांचवी जमात का कल साइंस का पर्चा। 26 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान देंगे। पंजाब भर में 14,000 सेंटर्स कायम। PSL के बाद पाकिस्तान सुपर हॉकी लीग, 23 से 30 मार्च तक सुपर हॉकी लीग के इनाकात का फैसला। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की हॉकी लीग के लिए भरपूर तआवुन की पेशकश। हॉकी कौमी खेल है, नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे, अब्दुल अलीम खान। क्लीन, ग्रीन और खुश अखलाक पाकिस्तान मुहिम का तीसरा रोज। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कैंट स्टेशन का दौरा, पौधा भी लगाया। वफाकी वजीर रेलवे का प्रेम नगर ड्राईपोर्ट का भी दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। फ्लैटीज होटल में शुगर डीलर्स एसोसिएशन लाहौर के नौ मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी। अहदेदारों ने शुगर डीलर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का इरादा किया। नौ मुंतखब सदर मलिक अमजद हुसैन का कहना था कि चीनी की कीमतों का तायुन तलब और रसद पर होता है। किसानों की जानिब से गन्ने की सप्लाई में तआक्कुल पैदा हुआ, रसद बेहतर होने पर चीनी की कीमतें भी मुस्तहकम हो जाएंगी। शहर की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मरहूम शेख शफीक रियाज का इंतकाल पर मलाल। मॉडल टाउन सी ब्लॉक की मस्जिद में इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम। कारोबारी और समाजी शख्सियत बड़ी तादाद में शरीक। साबिक खतीब दाता दरबार मस्जिद अलामा मकसूद अहमद ने खसूसी दुआ कराई। एक से बढ़कर एक चमचमाती गाड़ी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जेर एहतमाम। पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विंटेज गाड़ियों का मेला, हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां लोगों की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी फिल्म लाल कबूतर की रिलीज का ऐलान। फिल्म रवां साल 22 मार्च को रिलीज की जाएगी। फिल्म में अदाकार अहमद अली अकबर और मंशा पाशा मरकजी किरदार में नजर आएंगे।